रोहित शेट्टी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का काफी वेल नोन यंग टैलेंटेड डायरेक्टर है और जिनको गोलमाल और कॉप यूनिवर्स फिल्म फ्रेंचाइज के लिए ज्यादा पहचान जाते हैं। और बता दोस्तों, जहाँ पर रोहित का ज्यादातर फिल्में हाइस्ट ग्रॉसर लिस्ट पर शामिल है। दोस्तों, आज मैं ऐसे ही डायरेक्टर रोहित शेट्टी का सारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ। और अगर आप हो डायरेक्टर रोहित का फैन तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखिएगा और एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन, जमीन। यह 2003 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पर सुपरस्टार अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, बिपाशा लीड रोल में नजर है। और इसका स्टोरी ये एयरलाइंस फ्लाइट हाईजैक पर बेस्ड है और जो फिल्म रहा एवरेज। नंबर टू, गोलमाल फन अनलिमिटेड। यह 2006 का कॉमेडी फिल्म है और एक बार इसमें अजय देवगन लीड रोल में नजर है। इसमें पैसे से जुड़ा कर कुछ फ्रेंड के बीच में कॉमेडी सीन को दिखाई है, जहाँ पर बजट था 12 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 48 करोड़ और ये फिल्म रहा सुपरहिट। नंबर थ्री, संडे। ये 2008 का मिस्ट्री कॉमेडी फिल्म है जहाँ पर अजय देवगन, आशा टकिया लीड रोल में नजर है। ये 2005 का तेलुगु फिल्म अनुको कोंडा ओकारोजू इसी फिल्म का रिमेक रहा और जो रहा एवरेज। नंबर फोर, गोलमाल रिटर्न्स। ये 2008 का क्राइम कॉमेडी फिल्म है जहाँ पर अजय देवगन, तुषार कपूर, करीना कपूर लीड रोल में नजर है। इसमें एक टप कैसे अपने हस्बैंड गोपाल का ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं वह इसमें दिखी है। और ये फिल्म उस साल का वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर फिल्म रहा, जहाँ पर बजट था 30 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 85 करोड़ और ये फिल्म रहा सुपरहिट। नंबर फाइव, ऑल द बेस्ट फन बिगिंस। ये 2009 का कॉमेडी फिल्म है जहाँ पर अजय देवगन, बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त, बिपाशा बसु लीड रोल में नजर है। और ये 2009 का 8th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म था, जहाँ पर बजट था 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 60 करोड़ और ये फिल्म रहा हिट। नंबर सिक्स, गोलमाल ट्रिप। ये 2010 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है जहाँ पर अजय देवगन, करीना कपूर, तुषार को लीड रोल में नजर है। इसमें प्रीतम और गीता कैसल के बाद मिलकर कैसे शादी करने का प्लान करते हैं वह इसमें दिखाई है। और इस फिल्म का ह्यूमर और सभी का परफॉर्मेंस को मिला है काफी पॉजिटिव रिव्यू, जहाँ पर यह फिल्म रहा उस वक्त का सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म। बजट था 35 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 170 करोड़ और ये फिल्म रहा ह्यूज ब्लॉकबस्टर। नंबर सेवन, सिंघम। ये 2011 का एक्शन फिल्म है जहाँ पर अजय देवगन और काजल अग्रवाल को लीड रोल में नजर आई है। इसमें एक ऑनेस्ट इंस्पेक्टर बाजीराव सिंघम और एक ड्रेडेड पॉलिटिशियन जयकांत के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है। और इस फिल्म को अजय का कैरियर में वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फिल्म माना जाता है और ये फिल्म रहा कॉप यूनिवर्स का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। बजट था 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 150 करोड़ और ये फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर एट, बोल बच्चन। ये 2012 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है जहाँ पर अजय देवगन, अभिषेक बच्चन और आसिन लीड रोल में नजर है। इसमें अब्बास एक बच्चे को बचाने के लिए कैसे खुद का आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करते हैं वह इसमें दिखाई है। जब इसका बजट था 50 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 235 करोड़ और ये फिल्म रहा ह्यूज ब्लॉकबस्टर। नंबर नाइन, चेन्नई एक्सप्रेस। ये 2013 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है जहाँ पर इसमें बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को लीड रोल में नजर आई है। और इस फिल्म के साथ डायरेक्टर रोहित ने पहली बार के लिए अजय देवगन को छोड़कर दूसरा कास्ट को लेकर फिल्म बनाई है। और इसमें राहुल ट्रेन पे मीना को हेल्प करने के चक्कर में कैसे क्रिमिनल फैमिली से फंस जाते हैं वह इसमें दिखाई है। और ये फिल्म बॉलीवुड का ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसर लिस्ट पर शामिल है, जहाँ पर इसका बजट था 110 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 424 करोड़ और ये फिल्म रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। नंबर टेन, सिंघम रिटर्न्स। ये 2014 का एक्शन फिल्म है जहाँ पर अजय देवगन, करीना कपूर लीड रोल में नजर है। इसमें एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर बाजीराव सिंघम और एक पॉलिटिशियन के बीच में फाइटिंग को दिखाई है, जहाँ पर इसका बजट था 65 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 220 करोड़ और ये फिल्म रहा सुपरहिट। नंबर 11, दिलवाले। ये 2015 का रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जहाँ पर बादशाह शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन और कृति सनन को लीड रोल में नजर आई है। और इसमें दो माफिया फैमिली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है, जहाँ पर बजट था 120 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 375 करोड़
और ये फिल्म रहा हिट। नंबर 12 गोलमाल अगेन, ये 2017 का सुपर नेचुरल एक्शन कॉमेडी फिल्म है जहाँ पर अजय देवगन, परिणीति चोपड़ा, ली ड्रोमिनजई है और इसमें कुछ अनाथ आदमी ने अपने ऑर्फनेज में वापस आने के बाद कैसे एक भूत से इनकाउंटर करते हुए इसमें दिखी है। और ये फिल्म बॉलीवुड का ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग लिस्ट पर शामिल है जहाँ पर इसका बजट था 70 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 310 करोड़ और ये फिल्म रहा ह्यूज ब्लॉकबस्टर। नंबर 13 सिम्बा, ये 2018 का एक्शन फिल्म है जहाँ पर रणवीर सिंह, सारा अली खान, ली ड्रोमिनजई है। इसमें कॉर्प्ट पुलिस ऑफिसर सिम्बा भालेराव और एक स्मगलर ध्रुवा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है जहाँ पर इसका बजट था 80 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 400 करोड़ और ये फिल्म भी रहा ह्यूज ब्लॉकबस्टर। नंबर 14 सूर्यवंशी, और ये 2021 का दिवाली रिलीज एक्शन फिल्म है जहाँ पर ये रोहित का कॉपी यूनिवर्स का 4th इंस्टॉलमेंट है जहाँ पर खिलाड़ी अक्षय कुमार को एंटी टेररिज्म स्क्वाड ऑफिसर, दूसरी तरफ कैटरीना कैफ और कैमियो अपीयरेंस पर सुपरस्टार अजय देवगन और रणवीर सिंह को नजर आई है। जहाँ पर ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही इसका ट्रेलर और आइला रे आइला सॉन्ग रिकॉर्ड किया था और ये फिल्म रिलीज होने के बाद इसको मिल रही है ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स जहाँ पर किलर अक्षय कुमार का एक्शन और रोमांटिक एफ्टर फैंस को किया है काफी इम्प्रेस्ड और याकी का कैरियर में सबसे बिगेस्ट रिलीज फिल्म रहा और साथ में उनका कैरियर में फर्स्ट डे पर सबसे हाईएस्ट कलेक्शन करेगा। इंडिया नेट कलेक्शन रहा 35 से 40 करोड़ के आसपास और इसी फिल्म के साथ ही बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल कलेक्शन आने वाले है। तो आपको क्या लगता है, क्या फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर या फिर होगा फ्लॉप, कमेंट करके बताइएगा। नंबर 15 सर्कस, ये अपकमिंग कॉमेडी फिल्म है जहाँ पर रणवीर सिंह को अपने कैरियर में पहली बार के लिए डबल रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे और साथ में होगा जैकलिन फर्नांडेस और पूजा हेगड़े। और बता दोस्तों, जहाँ पर ये फिल्म 1982 का हिंदी फिल्म अंगूर का रीमेक होगा और जहाँ पर ये फिल्म इसी साल 31 दिसंबर 2021 में होगा रिलीज। नंबर 16 गोलमाल 5, और ये अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगा और जो होगा वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कॉमेडी फ्रेंचाइज गोलमाल का 5th इंस्टॉलमेंट जहाँ पर अजय देवगन को लीड रोल में जाएंगे। गोलमाल 5 को काफी ग्रैंड स्केल से बनाया जाएगा। दोस्तों ये रहा डायरेक्टर रोहित शेट्टी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक की रोहित का कैरियर में कोई फ्लॉप फिल्में नहीं है, यानी कि उनका कैरियर में सारे का सारे फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रहा ह्यूज सक्सेसफुल। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी करिएगा और इसके बॉलीवुड और साउथ इंडियन न्यूज़ अपडेट पाने के लिए मशहूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।